हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप राणा, सब होंगे बढ़िया। आज मैं जा रहा हूँ गुआंगझोउ से बीजिंग की तरफ। गुआंगझोउ से बीजिंग अराउंड 2000 किलोमीटर के ऊपर है, और जो टिकट मुझे पड़ी बुलेट ट्रेन की अराउंड पड़ी 10,000 रुपये की, 10 घंटे में छोड़ देगी मुझे। बहुत फास्ट ट्रेन है भाई, बहुत तेज चलने वाली है, और ये अंदर ट्रेन स्टेशन जहाँ मुझे जाना है। यहाँ से मेरा सफर अकेले होने वाला है। गुआंगझोउ मुझे बहुत सारे लोग मिले, इंडियंस लोग और हमारे लोकल लोग, मजा आए मुझे सफर। यहाँ एक्चुअली मुझे यहाँ पे अपने दोस्त के साथ जाना था, जो था लिन, पर लिन का एक्चुअली प्लान था पहले आएगा, फिर वो नहीं आया, तो अब मुझे अकेले पूरी जर्नी करनी पड़ रही है। लिन होता तो मेरे लिए इजी रहता सब कुछ करना, पर अभी मुझे अकेला करना है तो बड़ा चैलेंजिंग है। पर कोई नहीं, ये चैलेंज के लिए ही मैं जर्नी कर रहा हूँ। चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे मैं बीजिंग पहुँचता हूँ। चाइना की बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे इतना मारामारी नहीं है, इतना कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, सब लोग आराम से बैठे हैं। देखो पूरा बैठने का एरिया यहाँ पे दिया गया है, और गर्म पानी दिया है, ठंडा पानी दिया है, सब कुछ सामने देखो, और सामने टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, और अनाउंसमेंट पूरी हो रही हैं, और फैन लगे हैं, एसी लगे हैं, बहुत सही इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं। जैसे मेरा अभी गेट कॉल आएगा फिर मैं चले जाऊँगा। अगर 8:20 की मेरी ट्रेन है तो 10 मिनट पहले गेट खुलते हैं और बोर्ड के लिए बुलाते हैं। 10 घंटे का सफ़र होने वाला है मेरा, बहुत लंबा सफ़र है मेरा, रातों सोना पड़ेगा। खाना वगैरह मैंने खा लिया है, हल्का फुल्का बर्गर वगैरह खा लिया था। इवन यहाँ पे अच्छी बात क्या है ना, आप यहाँ पे कहीं भी ऑर्डर करोगे ना ऑनलाइन, तो आपके अगले स्टेशन में आपको मिल जाएगा। मैंने ले रखा है सीटिंग वाला टिकट। सीटिंग वाला जो टिकट है वो आपको बैठेगा अराउंड 750 RMB का, और जो स्लीपर वाला है वो आपको बैठेगा 850 RMB का। भाई ये है चाइना की हाई स्पीड ट्रेन, इसको बुलेट ट्रेन ही बोलते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन बोलते हैं। है सेम ही जैसे जापान में थी, पर नाम दूसरा है, और ये भी उतनी ही फास्ट है। 10 घंटे में 2000 किलोमीटर का सफ़र कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट है। दोस्तों अभी मैं हूँ ट्रेन के अंदर, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका अंदर का नज़ारा कैसा है। ये मेरे साथ हमारे एक भाई जी हैं पंजाब इंडिया से, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ जी। तो जो पाजी हैं मुझे भी ट्रेन में मिले, ये जा रहे हैं गुआंगझोउ से बीजिंग, कल इनकी फ़्लाइट है वापस इंडिया की। तो अभी ट्रेन में इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले भी आए थे, यहाँ पे सोर्सिंग करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, इंडिया से सामान लाते हैं, यहाँ से वहाँ सामान ले जाते हैं, बेचते हैं। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे बहुत सारी बातें इनसे हुई मेरी। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो चाइना की ट्रेन है हाई स्पीड ट्रेन, इनके अंदर का नज़ारा कैसा है। बाकी ये इनका शावर, ये बेसिन एरिया है जहाँ पे आप हाथ धो सकते हो, बहुत साफ़ सुथरा है, नीचे नैपकिन वगैरह सब रखे हुए हैं, और ये सामने इतना बड़ा शीशा लगा रखा है, और चार्जिंग के लिए ये देखो यहाँ पे नैपकिन रखे हुए हैं, और हाथ धोने के लिए यहाँ पे शावर, आपको जेल मिल जाएगा, हैंड वॉश मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर पूरा ये प्लग मिल जाएंगे। फिर सामने ही टॉयलेट है, टॉयलेट दिखाता हूँ आपको मैं, ये टॉयलेट है मैन वुमेन दोनों के लिए। पाजी इसको खोलो, तो ये देखो टॉयलेट इनका, यहाँ पे टॉयलेट देखो ऐसा होता है, पूरा अंदर फ्लश है, पूरा अंदर हाथ धोने का है, पूरा अंदर ऐसा साफ सुथरा है, पूरा अच्छा है। तो पाजी आप इंडिया में भी ट्रेवल किए होगे ट्रेन में, आप इंडिया में भी ट्रेन में ट्रेवल किए होगे। इंडिया में ट्रेवल ट्रेन में और ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन देखो मैं ये यही देख रहा था कि यहाँ जो ट्रेन का स्टेशन भी है इतना साफ़ सुथरा है कि एयरपोर्ट के जितना ही है साफ़ सुथरा। अभी भी ये ट्रेन में है तो जैसे जहाज में खोती साफ़ सफाई, इतनी साफ़ सफाई ट्रेन में है, तो बहुत कमाल की चीज़ है। ये इसमें देखो सेंसर लगे हुए हैं, और ये मेरा पूरा अंदर यहाँ पे सीटिंग वाला एरिया है, ये मेरी सीट है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, और यहाँ से मैं बाहर का नज़ारा देख सकता हूँ। अभी तो पूरा अंधेरा है, कल सुबह देखूँगा, और ये सब लोग बैठे हैं देखो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर आपको स्लीपर चाहिए तो स्लीपर आपको मिल जाएगा, उसका दूसरा कंपार्टमेंट है, वो भी बहुत साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया है, लग्जरियस है। तो ये है स्लीपर वाला एरिया, अभी हम जा रहे हैं 8वें डब्बे में, जहाँ पे दुकान है, खाने पीने का सामान वगैरह मिलता है। और ये देखो स्लीपर कंपार्टमेंट के बाहर पूरे डिजिटल लॉक लगे हुए हैं, नंबर वाले, और सब सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, बहुत साफ सफाई है। देखो हर एक बोगी में यहाँ पे टॉयलेट दे रखा है, और हर जगह यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, और जो स्लीपर कोच में है इसको अगर बैठना है तो यहाँ बैठ सकता है। देखो इतने ना रेस्टोरेंट है, 8 नंबर बुग्गी होंगी है, जब 15-16 बुग्गी है ना, 8 नंबर बुग्गी दे विच तुसी खाना इथे ऑर्डर कर सकते हैं, आहा जब इहदे च तुसी एक इस तरह का मेनू बनया है, रेस्टोरेंट बना सकते, इत्थे तुसी अपना दूजा भी ले सकते, पानी जम कोई सोई काफी कोई भी है, सारा कुछ बीयर सारा कुछ इथे है, तुसी अंदर अंदर इथे रेस्टोरेंट दे विच आ सकते हैं। फाइनली 10 घंटे पहुँच चुका हूँ मैं बीजिंग में। यहाँ का मौसम चल रहा है 30 डिग्री, ठीक ठाक मौसम है, बाहर निकलता हूँ फटाफट हॉस्टल जाता हूँ। और ये मेरे पीछे है रेलवे स्टेशन साउथ वाला,
यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है 17 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से बस चलती है, मेट्रो चलती है और टैक्सी भी चलती है। और मेरे साथ यहाँ पे पाजी बैठे हैं। पाजी का एक्चुअली आज यहीं पे घूमेंगे, इनकी कल सुबह की फ्लाइट है, तो ये ऐसे टाइम पास करेंगे। और यहाँ के रेलवे स्टेशन देखो कितने बड़े और कितने साफ़ सुथरे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ पे एक्चुअली वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे अभी 30 डिग्री चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कंपेयरिंग टू साउथ बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ का। भाई एक बात अच्छी लगी मुझे यहाँ पे चाइना में आके ना, रेलवे स्टेशन में या जो भी पब्लिक प्लेसेस में, यहाँ पे बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं होता है, बिल्कुल शांति रहती है और लोग चिल्लाते उल्लाते नहीं हैं, और जो भी अनाउंसमेंट होते हैं बिल्कुल शांति से होते हैं, और साथ ही में साफ़ सफाई पूरी होती है, मतलब कोई इतनी गंदगी नहीं करता है। तो मुझे ये बात यहाँ पर बड़ी अच्छी लगी, वैसे ही बताऊँ तो आपको, तो ये बात हर जगह होने से होना चाहिए इंडिया में भी। भाई मैं तो बीजिंग में ले रहा हूँ बस, और ये कुछ नज़ारा है बीजिंग का, और ये मेरे पीछे है फेमस लैंडमार्क वाला बीजिंग रेलवे स्टेशन। भाई बड़ा ढूंढ ढूंढ के पहुँच गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी बस नंबर लिखे हैं, 142 144, हमारा बस नंबर यहाँ पे बस आएगी अभी 12 मिनट में। भाई अच्छी बात चाइना की है, अभी बस ने हमको ड्रॉप किया है ये बस स्टॉप में, और ये देखो ये रोड के बीच में है, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमको यहाँ पे ये ओवर ब्रिज बनाया है जो हमको पल्ली पार ले जाएगा, और उसी पार हमारा हॉस्टल है। चाइना में मुझे कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगी यार, जो हमको इंडिया में इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बोलते नहीं है, गंदगी बिल्कुल नहीं करते। देखो ये बस स्टेशन है, गंदगी नाम पर कुछ भी नहीं है, और सुविधाएँ भी अच्छी दे रखी यहाँ पर हर जगह, चाहे आप कहीं भी हो, बीच में हो, साइड में हो, पूरा तरीका बनाया है निकलने के लिए। साइकिल के लिए ये राइट वाला साइकिल, और छोटी गाड़ियों के लिए है, बाइक के लिए अलग रास्ता है, साइकिल के लिए अलग रास्ता है, और ये हाईवे के लिए अलग रास्ता है। कितना बढ़िया बना रखा है। और दूसरी अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि पूरे सिटी में जब से मैं आया हूँ हर जगह पेड़ ही पेड़ है, मतलब बीच में पेड़ ही पेड़, इतना ग्रीनरी बना रखी है, फूल लगा रखे हैं, इतना साफ सुथरा। मेरे विचार देख रहे हो कितने पेड़ लगे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा है यार, इसको बोलते हैं कि हाँ कुछ किया है, मतलब बनाए रखा है जापान की तरह। वाह, मानना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा यार सही में। ये मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल के पास, हॉस्टलिंग इंटरनेशनल, तो यहीं मुझे जाके आज चेकिंग करना है। ओके लेट्स गो, कहाँ है अंदर, गेस्ट स्टॉप। भाई मेरा तो चेक इन हो चुका है बड़े अच्छे से, ये है हमारा हॉस्टल पी लॉफ्ट करके बैठने वाली एरिया है, बहुत स्पेशियस लगा मुझे, बड़ा लगा। ये मेरा रूम है N6B, और ये है हमारा डॉर्मेट्री, बहुत ही बेहतरीन, साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन। 6 लोग यहाँ रहने वाले हैं, ये देख लो भाई मेरा बेड ये वाला है, कैसा लगा कमेंट पक्का बताना। चार्जिंग केबल उधर है, AC लगा हुआ है, तो हम रहेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 2 to 4 days। आई विल स्टे हियर, पर डे का मेरा है 134 RMB अराउंड इंडिया का, 1500-1600 रुपये, बहुत एक्सपेंसिव है कि नहीं है। अरे भाई जी कैसे हो, ये हमारे दिल्ली वाले भाई मिल गए यहाँ, बढ़िया। मैं तुमको देखा, मैं हिंदी में बोला, तुम समझी नहीं, मैंने कहा ये कहीं और से हैं। चलो बढ़िया है। और आप कब से हो इधर? मंडे से आए। अभी यहाँ कितना, अभी घूमने आए हो? घूम चुके हो? तो अभी आप कब जाने वाले हो? कल सुबह। कहाँ? अच्छा हम गुआंजो से आ रहे हैं यार। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा मिलके। अब टाइम है रिलैक्स करने का और कुछ टाइम बैठ के वीडियो एडिट करने का। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अब मेरा जो अगला वीडियो होने वाला है वो यहाँ पे मैं कैसे साइकिल लेता हूँ, कैसे टेंट लेता हूँ, कैसे प्रिपेयर करता हूँ मंगोलिया के लिए, वो आप सब देखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट पक्का करना और शेयर पक्का करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।